नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे बिहार न्यूज। नई सोच, नए अंदाज, बिहार और झारखंड के ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस खबर के प्रायोजक है संभावना उच्च विद्यालय, शुभ नारायण नगर आरा, भोजपुर। भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सारंगपुर गांव में पूर्व के नाच के विवाद में तीन युवकों ने एक वृद्ध को गोलियों से छलनी कर दिया। आरा सदर अस्पताल में इलाज के बाद डॉक्टरों ने वृद्ध को पटना रेफर कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप टुडे बिहार न्यूज पर देख रहे हैं। बता दें कि पिछले रविवार को बड़का डुमरा गांव में नाच देखने के दौरान कुछ लड़कों से वृद्ध की नोकझोंक हो गई थी, जिसके बाद दूसरे द्वारा समझाने के बाद मामला शांत हो गया था। पर आज उस समय बड़का डुमरा गांव में अफरा तफरी मच गया, जब तीन युवक आकर वृद्ध पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे, जिससे वृद्ध मुफस्सिल थाना के सारंगपुर निवासी स्वर्गीय लौकिक धनुष के पुत्र यमुना धनुक बुरी तरह से जख्मी हो गया। धनुक की परिजन आनंद फानन में आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्रथम उपचार कर धनुक को सीरियस देख पटना रेफर कर दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप टुडे बिहार न्यूज पर देख रहे हैं। पूर्व के विवाद में वृद्ध को तीन युवकों ने गोलियों से छलनी कर दिया है। गंभीर स्थिति में उसे पटना रेफर किया गया आरा सदर अस्पताल से। तारकेश्वर प्रसाद, टुडे बिहार न्यूज, भोजपुर। हम खाना खा कर सो गए थे, तो हमको आवाज मिला कि पड़ाका करवा दे, तो हम घर से निकले दौड़ो, हम अभी भी जैकेट भी नहीं पहने, तो हम सोचे कि उधर हाला हुआ कि चाचा का गोली लग गया, जमुना चाचा का गोली लग गया, जमुना का गोली लग गया। हम कोई नहीं सुना, किसी के बात नहीं सुना, हम दौड़ो अपने चाचा के पास आए। अब क्या देखे, हम कुछ भी नहीं देखे, यहाँ पे क्या देखे, दौड़ के गए, वहाँ पे क्या देखे, कुछ भी नहीं देखे। वो